सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपना फोटो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिसाइज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर अपने फोटो का रिसाइज करने वाले हैं, जिससे आप लोग का फोटो का क्वालिटी कम नहीं होगा। तो नंबर वाले ऑप्शन में जाकर नंबर को इंक्रीज कर लेना है, फिर रिसाइज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आप लोग को फोटो का साइज आ जाएगा, फिर उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद डन करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद एड फोटो में क्लिक करना है। एड फोटो में क्लिक करने के बाद आप लोग को एक ब्लैक PNG मिलेगा, उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको साइड में अच्छे से इस तरीके से आप लोग को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद हम लोग को एड फोटो में क्लिक करना है। एड फोटो में क्लिक करने के बाद आप लोग को अपना तीन फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तीन फोटो सेलेक्ट करने के बाद पहले फोटो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे में इस तरीके से इसको एडजस्ट करके इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद इसको अच्छे से फ्रेम में एडजस्ट करना है। देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से आप लोग को भी एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेजर वाले टूल से इरेज कर लेना है। देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से आप लोग को भी इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद पहला फोटो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सेकंड फोटो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको भी अच्छे से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन करने के बाद और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेजर टूल के हेल्प से इरेज कर लेना है। सो गाइस, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आप लोग आराम से कर लेना। सेकेंड फोटो भी कंप्लीट हो चुका है, तो थर्ड फोटो को हम लोग को सिलेक्ट करके ऊपर वाले फ्रेम में इसको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के बाद इसका भी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद इसको भी अच्छे से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इरेजर टूल्स में क्लिक करना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर लेना है। सो गाइस, आप लोग इसको आराम से इरेज कर लेना, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। इरेज करने के बाद गाइस हम लोग को स्टिकर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। स्टिकर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद शैडो सर्च कर लेना है। शैडो सर्च करने के बाद नीचे साइड स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को ये वाला शैडो मिलेगा, उसको एड करके फुल स्क्रीन अच्छे से कर देना है। फुल स्क्रीन कर लेना है। इतना करने के बाद हम लोग को एड फोटो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को एक कैलेंडर का PNG मिलेगा, उसको एड कर देना है। एड करने के बाद इसको नीचे साइड इस तरीके से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद ब्लेंडिंग मोड इसका मल्टी स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद देख सकते हैं गाइस, बहुत अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके हम लोग को एक आर्ट PNG ले लेना है। PNG लेने के बाद आप लोग का जिस भी डेट है उसमें इसको लगा लेना है और इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले रख लेना है। और इस तरीके से जिस भी डेट है उस डेट में अच्छे से इसको लगा लेना है। इतना करने के बाद और बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है और हम लोग को यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिख लेना है। लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसको पूरा कैपिटल कर लेना है। कैपिटल करने के बाद आप लोग को एक फॉन्ट साइज में जाना है, फॉन्ट स्टाइल में, और अपना जो भी फॉन्ट है उसको इस तरीके से लगा लेना है और स्पेसिंग को हल्का सा बढ़ा लेना है। इतना करने के बाद फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर अपना नाम लिख लेना है। इतने के बाद फिर से फॉन्ट स्टाइल में जाकर अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है।
इंजेक्ट करने के बाद नीचे में इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और कलर वाले ऑप्शन में जाकर इसको अपने हिसाब से कोई सा भी कलर आप लोग रख सकते हैं और इस तरीके से इसको लगा लेना है। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा फोटो कंप्लीट हो चुका है।